हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ड्रीज दिस इज वानिया नरेंज योर आई जी के ओ दैट इज इंटरनेशनल जी के ओलंपिया ट्रेनर फॉर ग्रेट नाइन्थ आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत अलग सा टॉपिक है और वो कोई एकेडमिक टॉपिक नहीं है मजेदार सा टॉपिक है आपको करने में मज़ा आएगा मुझे बनाने में मजा आया है सो वील डिस्कस एंड वील टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स ओके कई बार किताबी नॉलेज की चीज़ें बाहर होनी चाहिए जो हम क्लास में कन्फाइंड उसमें पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कुछ चीज़ें उसके बाहर होने की होनी चाहिए जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगती है और जो कि हमारा नॉलेज जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बांध के रखें तो ये दिस इज़ वन ऑफ द टू डू दैट सो लेट्स बिगिन विद दिस अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत सारे हैं यूथो प्लान्स के जो हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाले हैं वो पहला जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी थाउजेंड्रॉक्सिमेटलीवेंटीजिलाइजनल एंड हीलिंग सत्तर हजार प्रजातियां प्लांट की सिर्फ मेडिकल और हीलिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है आपको पता है मतलब हमने बात की थी अश्वगंधा की हमने बात की टर्मोरिक की हमने बात की बाकी बहुत सारी जड़ा जड़ों की सेफ्रन की और बाकी भी इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमने बात की आपको ये बात जान के हैरानी भी होगी और बहुत अमेजिंग फैक्ट भी लगेगा कि 70,000 थाउजेंड स्पीशीज़ सिर्फ मेडिसिनल यूज़ या हर्बल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ऑफ़ अफकोर्स ये नंबर जो है ये रोज़ हर बार हर साल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि नए नए शोध होते जा रहे हैं नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे हैं नए नए रिसर्चेस होते जा रहे हैं बट एज ऑफ नाउ टिल डेट सेवेंटी थाउजेंड अ नोन प्लांट स्पीशीज जो कि इस पर्पज के लिए यूज की जाती हैं नाउ सेकेंड फैक्ट जो हम यहां पे लाए हैं वो ये है कि ओल्डेस्ट ब्लू डाइस जो यू नो नैचुरल डाइज़ आजकल तो वापस बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं कि लोग नेचुरल की तरफ जा रहे हैं नैचुरल डाइज़ आर्टिफिशियल लोग मना करते हैं आर्टिफिशियल चीज़ें लोग यूज़ करने से मना करते हैं बी फ्री होनी चाहिए चीज़ें और आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होने चाहिए ये आजकल बहुत होता जा रहा है लेकिन पहले के ज़माने में भी जब हम शुरुआत से शुरू करते हैं तो जो नेचुरल डाइज़ थे वो सबसे पहले उनमें जो कलर्स थे वो प्रिमेटिव कलर्स आए जो बेसिक कलर्स हुए जो प्राइमरी कलर्स जिनको हम कहते हैं वो आए उसके बाद फिर सेकेंडरी कलर्स आए तो उनमें से भी जो सबसे पहले था जो कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट ब्लू डाइस दे कम फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड वोड ओके और ये यूज किया जाता है न्योलिथिक टाइम से न्योलिथिक टाइम अब ये अगर जब हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे आई एम नॉट टू श्योर कि कितने बच्चों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में क्योंकि उसको स्टोरी की तरह से पढ़ा जा सकता है तो जब आप एंशियट हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री को भी बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया गया है स्टोन एज और स्टोन एज को भी जब बाकी चीज़ों में डिवाइड किया गया पेलियोलिथिक एज नियोलिथिक एज मिजोलिथिक एज चारकोलिथिक एज ब्रॉन्स एज तो उसमें से जो नियोलिथिक एज है सबसे आदमी को और इंसानों को लोगों को ओल्डेस्ट ब्लू डाइज यूज किए जाते हैं इतने साल पुराने टाइम से जो कि माना जाता है तकरीबन 6000 साल पहले से ओके सो दिस इज अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है हाउ ओल्ड अ ब्लू डाइज थर्ड फैक्ट डेंडिलियॉन इज होलीबल डेंडिलियॉन आपको फोटो दिख रही है कितना सुंदर सा यह पेड़ है कितना सुंदर सा फूल है बड़ा डेलिकेट सा बड़ा छुई मुई सा बड़ा डेलिकेट सा फूल है और ये पूरा का पूरा एडिबल है पूरा का पूरा एडिबल है मतलब आप इसकी जितने भी पार्ट्स हैं सबको खा सकते हैं सबको खाने में यूज़ किए सकते हैं आप इनकी पेटल्स खा सकते हैं रूट्स खा सकते हैं स्टेम्स खा सकते हैं जड़े खा सकते हैं आप हर चीज़ इसका पूरा का पूरा जो फ्लावर है जो फ्लावरिंग प्लांट है ये एडिबल होता है है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आते हैं हम ट्रीज को माना जाता है दे आर द फेस ऑफ ये सबसे पुराने जीव हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं ये सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं और एट्टी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ एडेबल प्लांट्स एडेबल प्लांट्स आर नोन टू मैनकाइंड अस्सी हजार अस्सी हजार तरह की स्पीशीज हैं प्लांट्स की जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं खाने के तौर पे जिनको हम खा सकते हैं और जो हम जानते हैं ऑफ कोर्स ये नंबर भी बढ़ता जा रहा है पहले हमने बात की सत्तर हजार की किस बारे में जो मेडिसिनल यूज में या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है हीलिंग पर्पजेज के लिए यूज की जाती है अभी हम बात कर रहे हैं एट्टी स्पीशीज़ की जो कि नोन है ह्यूमन काइंड को फॉर एज एन यूज एज एन एडिबल पा प्लांट जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं जिनको हम खा सकते हैं एंड दीज आर द लॉन्गेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ इनसे पुराना कुछ भी नहीं है एंड वी ह्यूमोट वी आर द मास्टर ऑफ द अर्थ वी आंट वी आंट द मास्टर्स ऑफ द प्लैनट दीज ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली मास्टर ऑफ द प्लैनटे एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देते हैं अब वो बात आती है टीस की आजकल पहले तो हमारे घरों में सिर्फ एक ही तरह की चाय बनती थी अदरक की या नॉर्मली दूध वाली चाय जो पी जाती थी आजकल एज पीपल आर बिकमिंग वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड आजकल एज पीपल आर बिकमिंग वेरी वेरी फिटनेस प्रो तो नई तरह की चाय मार्केट में आ गई हैं आजकल फ्लेवर ट्री टी मार्क, मार्केट में आ गई हैं लोग ग्रीन टी पीते हैं ब्लैक टी पीते हैं व्हाइट टी पीते हैं अलग अलग फ्लावर्स की टी पीते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तीन वैरायटीज की जिसको हम बोलते हैं ब्लैक टी ग्रीन टी एंड व्हाइट टी राइट right? अब हम सोचते हैं जब हम इनको लेते हैं ना ग्रीन टी इज वेरी हेल्दी एंड ब्लैक टी इज़ वेरी हेल्दी बट दूध वाली टी नहीं पीनी चाहिए व्हाइट टी के अपने बेनिफिट होते हैं बट क्या आपको ये बात पता है कि सारी टीज जो हैं वो बेसिकली एक ही प्लांट कैमिलिया सिनेसिस से आती हैं सिर्फ इनका जो प्रोसेसिंग है जो इनका प्रोसेस करने का वे है वो डिफरेंट हो जाता है जिसकी वजह से इनको ये बाइफर्केशन मिला है ब्लैक ग्रीन और वाइट का अदरवाइज जो बेसिक प्लांट है जो क्रूट प्लांट है वो सेम है ये नॉलेज आप अपने घर पे अपने बड़ों को दीजिएगा अब हम बात करने वाले हैं एक प्लांट बायोलॉजिस्ट की जो कि जेनेटिस्ट भी हैं जिनका नाम है डैनियल शेमोविट्स डैनियल शामोविट ये वो आदमी हैं जिन्होंने बहुत शोध किया बहुत स्टडी की प्लांट्स के ऊपर और इस बारे में इस नतीजे पे आए हैं वो उन्होंने किताब भी लिखी है और वो इस नतीजे में पे आए हैं कि प्लांट्स कैन सी स्मेल फील एंड रिमेंबर इस तरह का शोध एक हमारे अपने बहुत फेमस साइंटिस्ट ने भी किया है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है जिनका नाम आप सब जानते हैं जिनका नाम है सर जेसी बोस जिन्होंने हमें बताया कि प्लांट्स में जीवन है और उसी को आगे ले जाते हुए डैनियल ने से सर्च किया कि प्लांट्स कैन सी स्मेल फील एंड रिमेंबर हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज एंड हाउ हैव यू थॉट हाउ नो पैगनेंट दिस इज एज अ फैक्ट कि वो फूल पौधे पत्ते पेड़ जिनको हम सोचते हैं कि ये कुछ महसूस नहीं कर पाते या देख नहीं पाते या अपनी जगह से चल नहीं पाते इनको कुछ चीज़ समझ नहीं आती इनको याद नहीं रहता वो सब कुछ वो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरी जो हम इंसान कर पाते हैं बट ऑफकोर्स थोड़े रूडिमेंट्री फॉर्म में थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रैनबेरीज हैव स्मॉल एयर पॉकेट्स इनसाइड साइड दैट मेक्स देम बाउंस एंड फ्लोट इन वाटर ये एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं क्रैनबेरीज लाइएगा क्रैनबेरी जूस आपने जरूर पिया होगा बहुत बहुत ही यमी सा जूस होता है उसका और क्रैनबेरी अपने आप में जो बेरीज होती है दोज आर ऑल्सो वेरी गुड अपने यहाँ लोकली तो नहीं मिलती है लेकिन आजकल के मार्केट में आजकल एक्सॉटिक फ्रूट्स में मिल जाती हैं तो आप उनको घर लाइएगा और ये एक्सपेरिमेंट आप ट्राई कीजिएगा कि आप उनको पानी पे डालेंगे तो बाउंस ऑफ फ्लोट करती है पानी में डूबती नहीं है और वो क्यों नहीं डूबती है क्योंकि उसमें छोटे-छोटे से एयर पॉकेट्स होते हैं उनके अंदर जो कि उनको डूबने नहीं देते ओके okay? एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पाइनएप्पल जो है वो भी एक बेरी है ये आपको पता था ये बहुत इंटरेस्टिंग सी जानकारी है छोटी सी है लेकिन बड़े मजे की है कि पाइनएप्पल इतना बड़ा सारा वो एक बेरी होता है अम अनियंस अनियंस आई एम श्योर आप लोग आपके घर में सबके घरों में अनियंस तो आते ही हैं जिसको हम प्याज या कांदा बोलते हैं और वो कई घरों में लोग नहीं भी खाते बिकॉज स्मेल आती है उसको खा के अगर आप बाहर जाते हैं और कई रिलीजियस रीजन की वजह से भी लोग नहीं खाते हैं लेकिन अनियंस के अंदर एक क्वालिटी होती है जो ये होती है कि वो एक माइल्ड एंटीबायोटिक भी होती है जो कि बर्न्स को सूद करती है इन्फेक्शन से फाइट करती है रिलीफ करती है इच को एथलीट फीट को और ईटिंग लॉट्स ऑफ अनियन मेक यू उसमें सेडेटिव भी होता है अगर आप खाने से पहले ये कहा जाता है रात में कि अगर आप अपने खाने के साथ सैलड खाते हैं और उसमें अगर आप बहुत सारी प्याज खाते हैं तो वो आपको सोने में काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि उसके अंदर एक काइंड ऑफ और नेचुरल सेडेटिव माना जाता है जिसमें आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी अगर आप अनियन खाते हैं इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि जब आपको लू वगैरह लग जाती है या गर्मी में यू नो हीट स्ट्रोक होता है तो भी घर के जो बड़े हैं वो पैर में गैरी या अनियन को घिसते हैं तो वो भी उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो भी काफी ज्यादा है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करते हैं अब हम बात करते हैं एप्पल्स की पियर्स प्लम्स चेरीज आमंद पीचेस एप्रिकॉट्स ये सारे नाम हमने सुने हुए हैं राइट ये सारे नाम हमने सुने हुए है, बड़े, uh, है, बड़े हैं बड़े इंटरेस्टिंग नाम हैं बड़े टेस्टी फ्रूट्स हैं इसमें से आमंड न, बहुत अच्छे लगते हैं प्लम्स चेरीज एप्रिकॉट्स सब हमारे बड़े फेवरेट होते हैं पर क्या हमें ये पता है कि ये सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं और उस फैमिली का नाम आप सोचिए आप गेस भी नहीं कर सकते वो फैमिली जो है जिसका ये हिस्सा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट फैमिली है और वो ये हिस्सा है रोज फैमिली का कैन यू इमेजिन दीज आर फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स एंड दे आर पार्ट ऑफ रोज फैमिली सो एंडपैरगस एस पैरागस इज ए मेंबर ऑफ लिली फैमिली दैट इंक्लूड्स अदर मेंबर्स ऑफ अनियन लीग्स एंड गार्लिक्स भी इस पैरागस के साथ लिली फैमिली का हिस्सा है और एप्पल पियर्स प्लम्स चेरीज एप्रिकॉट ये सब रोज फैमिली का हिस्सा है तो दो फ्लावर की फैमिलीज में दो फ्लावर की फैमिलीज में इतना सब कुछ कवर हो जाता है अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हाइट के बारे में हमें इंटरेस्टिंग टॉलेस्ट बेजल प्लांट बेजल प्लांट अगर आपको इटालियन खाने का शौक़ है अगर आपको इटालियन क्विज़ीन का शौक़ है आप पिज्ज़ा पास्ता खाते हैं स्पेगेटी खाते हैं रिव्योली खाते हैं तो आपने बेजल का नाम ज़रूर सुना होगा ये एक हर्ब है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इटालियन क्वजीन में बहुत यूज़ की जाती है विथ ए और ये जो रिकॉर्डेड हाइट है बेजल प्लांट की टॉलेस्ट बेजल प्लांट की वो रिकॉर्ड की गई है 3.34 मीटर में तो वो इतना बड़ा भी हो जाता है साइज में 3.34 मीटर इज ह्यूज ओके लाइक यू कैन कंपेयर कि एक मीटर में कितने फीट होते हैं अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि थ्री मीटर का बेजल प्लांट कितना बड़ा होगा नाउ स्ट्रॉबेरी ओनली फ्रूट दैट हेज सीड ऑन आउटर साइड अब स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल होता है जिसकी जो सीड है आपने देखा होगा उस पर छोटे छोटे मार्किंग होती हैं ऊपर ऐसे 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 पोर्स होते हैं वो पोर्स नहीं होते हैं वो उसकी सीड्स होती हैं और वो अकेला ऐसा फल है जिसकी सीड्स उसके बाहर होती है और एक लगभग एक एवरेज साइज की स्ट्रॉबेरी में टू टू हंड्रेड सीड्स पाए जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नाव हम जो थर्ड फैक्टर्स में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि गिंको बिलोबा गिंको बिलोबा नेम सो इंटरेस्टिंग राइट गिंको बिलोबा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री स्पीशीज ये सबसे पुरानी ट्री स्पीशीज मानी जाती है जो कि अभी भी अर्थ पे सर्वाइव कर रही है अभी भी अर्थ पे जिंदा है और ये कुछ 250 मिलियन ईयर्स से जिंदा है कैन यू इमेजिन 250 मिलियन ईयर्स Means it is older than anything possible you can think of. It is older than the rocks, older than the mountains, older than possibly dinosaurs, everything. It is such a primitive. Ye basically, he's a. this is this tree is the native of Earth. Okay. Caffeine works as a pesticide in the coffee plant. कैफेन कॉफी तो हम सबको पसंद होती है राइट कैफे मौका और हम कैपचिनो एंड देर डिफरेंट वराइटी ऑफ कॉफीज हम सारी कॉफीज़ पीते हैं अलग अलग कॉफ़ी शॉप्स में जाते हैं पर क्या आपको पता है कि जब कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है तो उसमें जो आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स हैं उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती कॉफी प्लांटेशन में कैफेन अपने आप में जो कॉफ़ी में पाया जाता है वो एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड एक्ट करता है कॉफी प्लांट को ख़राब होने से या पेस्ट के द्वारा कंज्यूम किए जाने से सो इट वर्क एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड इन अ कॉफी प्लांट अलग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है अब हम बनानास की बात करते हैं एवरीबडी नोज वॉट बनानास आर एंड देर आर से बनानास सो वी आर टॉकिंग अबाउट बनानासके बनानास कंटेन नेचुरल केमिकल्स एंड कंपाउंड मेक पीपल हैप्पी यू नो दैट बनाना इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली मेक यू हैप्पी अगर आप उसको खाएंगे तो उसमें एक ऐसी केमिकल और कंपाउंड होते हैं जो कि आपको uh, उसमें न्यूट्रिशनल वाली तो होती ही है उसको कहा जाता है कि अगर आप जिम जा रहे हैं जिम करने से पहले आप बनाना खा लीजिए इट इज़ वेरी गुड बट अगर आप उसको वैसे भी वैन यूर फीलिंग लो वैन यूर फीलिंग सैड और आप एक बनाना खाते हैं इट इज इट हैज़ सम काइंड ऑफ केमिकल्स एंड कंपाउंड विल मेक यू फील वेरी हैप्पी सो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू कॉल इट अ हैप्पी फ्रूट अगर आप उसको खाएंगे तो यू विल फील यू नो very relaxed and chilled out and happy so try doing that try consuming banana on your low day and let us let me know in the comment later ki aapko kaisa feel hua okay and the bunch of bananas is called hand aapne bananas ki bunch dekhe जो uh, normally uh, लगते हैं पेड़ पे लगा हुआ बनाना अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि वो क्लस्टर में लगते हैं और उस क्लस्टर को पूरे के पूरे को कहा जाता है हैंड और एक एक बनाना जो उसमें होता है उसको हम कहते हैं फिंगर्स सो इट इज हैंड एंड फिंगर्स ओके और फिंगर एक्चुअली बनाना एक्चुअली अरेबिक वर्ड है फॉर फिंगर्स तो वहां से वो वर्ड डिराइव हुआ है अब ये है बैम्बू का पेड़ राइट right? ये आप देख सकते हैं ये है बैम्बूस नाउ बैम्बूस का पेड़ जो है दे आर नोन एज दस्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट ये सबसे जल्दी बढ़ने वाले प्लांट माने जाते हैं इन द वर्ल्ड और ये कई बार कई दफ़ा एक दिन में 3.2 फीट तक बढ़ जाते हैं 3.2 फीट वुड बी लाइक अप्रोक्सीमेटली इतना इतने ऊपर तक ये आ जाते हैं एक दिन में कई बार कैसा आ जाता है बैम्बू प्लांट्स के बारे में कि बैम्बू प्लांट्स रात भर में ही अपनी जो उनकी जो आ, जो हाइट है आप देखेंगे कि रात में आप सोए बैम्बू प्लांट्स हैं और लगे हुए और सुबह आप देखेंगे तो वो इतने ऊँचे हो गए तो वो इस वजह से होता है कि वो एक दिन में थ्री फीट तक बढ़ जाते हैं अब हम बात करते हैं पॉइजन पॉइजन आईवी के बारे में पॉइजन आईवी एक स्पीशी है प्लांट की जिसकी वजह से वो स्किन इरिटेशन में जो स्किन कई तरह की एक डर्माटाइटिस प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है और स्किन इरिटेंट भी माना जाता है उसको और एक यूरोशियल करके एक डर्मेटाइटस कंडीशन होती है वो इसकी वजह से मानी जाती है कि हो जाती है लोगों को एंड इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस लाइक इची रैश ऑन द एक्सपोज स्किन पॉइजन so, आईवी एक ऐसी स्पीशी है जिससे अगर आपको पता हो कि कहाँ है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस विद इट नाउ अनदर फैक्ट इज मेनी प्लांट्स आर कार्निवोर्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ईट टाइनी लिटल इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स टू गेन यूजफुल न्यूट्रिय अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कि कार्निवोरस भी होते हैं कार्निवोरस मतलब वो जो कि एनिमल्स पे इंसेक्ट्स पे छोटे मोटी चीजों पे जीव जंतु पे सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेते हैं उसका एक एग्जाम्पल है Venus Venus किस तरह का प्लांट होता है जिसमें जिसके ऐसी दाँतें दांत बने होते हैं जैसे जॉस होता है human ह्यूमन जॉस उस तरह के उसमें दात होते हैं और उसमें जैसे कोई इंसेक्ट आके बैठा और जैसे ही उसमें आगे बैठा वो खुला रहता है और जैसे ही उसमें कोई इंसेक्ट आके बैठा वो फट से अपने जॉस बंद कर लेता है और उसका पूरा न्यूट्रिशन और पूरी एनर्जी लेलता है और वो जो बेचारा इंसेक्ट है वो मर जाता है दूसरा बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम डिस्कस करते हैं बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हैं कि प्लांट मैटर्स वे सेटल डाउन ऑट द बेस ऑफ वाटर लाइक बॉडीज लाइक स्वर्म्स कैन टर्न इनटू कोल थ्रू प्रोसेस इज कॉल मेटामोफिसिस मेटामोफिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट मैटर हैं जो कि बेस पे पानी के बेस पे या वाटर के सर्फिस पे जमा हो जाते हैं या रह जाते हैं या डेबरी के फॉर्म में जमा हो जाते हैं वो या स्वम्स जो होते हैं वो के कोल में कन्वर्ट हो सकते हैं ओवर द प्रोसेशन या मेटामोफिस के प्रोसेस के बाद ऑफकोर्स ये प्रोसेस जो है वो कई सेंचुरी कई साल कई हज़ार साल लेता है

प्लांट मटेरियल और चाइनी इंसेक्ट्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं अगर आपने वो फिल्म देखी हो जुरासिक पार्क अगर नहीं देखी तो अपने पेरेंट्स को बोलेगा वो आपको दिखाएंगे उसमें इसी तरह का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि वो ट्री रेजन के अंदर वो फॉसल बन जाता है और उसमें उनको डायनासोर के कुछ uh, कुछ उनको पता चलता है उनको कुछ उनको कुछ uh, चीज़ें वो फिगर आउट करते हैं और वहीं से वो साइंटिस्ट जो हैं उनको कुछ थोड़ा सा कहीं से कोई सिंबॉलिक कोई चीज़ मिलती है और वहीं से वो उस पर आगे खोज करते हैं और उसी के ऊपर वो रिसर्च uh, करते हैं और पूरा का पूरा वो पता लगा लेते हैं कि डायनासोर टाइप की प्रजाति अर्थ पे रहा करती थी सो डू दैट सो दिस इज़ वॉट इट इज़ ट्री रेजन्स इस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं कई बार उसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं अब लाइटनिंग का प्रोसेस तो आपको पता है ना आसमान से जो बिजली गिरती है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं लाइटनिंग का प्रोसेस बहुत सारे पेड़ों पे जंगलों पर अक्सर जय देखा गया है कि लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्राइक करती है कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं अर्थ के जहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्राइक करती है पर पेड़ों में जहां तक बात की जाती है तो ओक ओक एक ऐसा पेड़ है जिसमें पे बोला जाता है कि लाइटनिंग सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है कंपेयर टू एनी अदर स्पीशी ऑफ प्लांट फकोर्स ओक्स बहुत लंबे होते हैं बहुत लंबे पेड़ होते हैं लेकिन फिर भी सम हाउ फॉर सम रीजन लाइटनिंग सबसे ज्यादा ओक ट्रीज पर ही स्ट्राइक करती है अब क्यूकम्बर सबने खाया है खीरा हम सैलेड में इसको खाते हैं विच इज कंसिडर्ड वेरी हेल्पफुल इसमें कहा जाता है बहुत सारा पानी की मात्रा होती है दट इज टू बी वेरी हेल्दी ऑल्सो और इसको लोग डिटॉक्स के लिए डाइटिंग के लिए भी खाते हैं पर हमें ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि क्यों वेजिटेबल नहीं है और वो फ्रूट है क्यों क्योंकि उसके अंदर सीड्स होते हैं हम उसको कहते हैं ना कि हम सब्जियां जब खरीदने जा रहे हैं तो आप प्याज आलू खीरा सब ले आइएगा तो खीरा सब्जी नहीं होता है वो फ्रूट होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे टमेटो भी एक फ्रूट होता है अब हम बात करते हैं एलिफेंट ग्रास की जो कि फाउंड विच इज फाउंड इन अफ्रीका इज नेम्ड सो बिकॉज इट कैन ग्रो अप टू फाइव 4.5 मीटर्स व्हिच इज हाई इनफ टू हाइड इन एलिफेंट एनेट एक तरह की ग्रास होती है अफ्रीका में पाई जाती है जिसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं और उसकी जो हाइट होती है वो 4.5 मीटर्स होती है आई एम नॉट टॉकिंग अब फोर इंच आई आई एम नॉट टॉकिंग फीट इंचाउट फोर पॉइंट फाइव मीटर वो इतनी ऊंची ग्रास होती है कि वो एक पूरे के पूरे हाथी को अपने अंदर छुपा सकती है या अपने अगर उसमें हाथी आ जाए तो किसी को भी बाहर से नजर नहीं आएगा और इसी वजह से उसको एलिफेंट ग्रास कहा जाता है फर्स्ट पटेटो अब हमारे यहाँ पटेटोज बड़े खाए जाते हैं है ना हर चीज़ में हमारे यहाँ कोई भी आप सब्जी बना लीजिए उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आलू नहीं डलता एक्सेप्ट वो बेचारी कुछ सब्जियां हैं जैसे भिंडी और कद्दू जिसमें आलू नहीं डलते पर उसके अलावा आप कुछ भी सब्जी बना लीजिए आलू उनका बेस्ट फ्रेंड होता है सब में डलता है राइट उसके अलावा हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं उसके अलावा हम दुनिया भर के स्नैक्स बनाते हैं आलू से और हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा इंडियन से ज़्यादा तो आलू कोई जानता ही नहीं है कोई पहचानता ही नहीं है कोई समझता ही नहीं है और ये तो हमारी चीज़ है बट द फैक्ट इज़ कि आलू बेसिकली हमारे यहाँ कल्टिवेट ही नहीं होता था ये पेरू से आया है और 7000 साल पहले वहां पे कल्टीवेट करना शुरू किया गया था तो ये बेसिकली इंडियन नहीं है ये पेरू से आया हुआ है और 7000 साल पहले वहां पे कल्टीवेशन होता था और आप देखिए इसने कितना ट्रैवल किया कि इसने पूरी दुनिया में अपना नाम कर लिया है और ये अब हर दुनिया के हर कोने में कोई सब्जी जानी जाती हो या नहीं जानी जाती हो आलू जरूर जाना जाता है ओके नाउ एन एवरेज साइज ट्री कैन प्रोवाइड वुड इनाफ टू मेक उज टैक्स सो वॉट इज इट वन लैख सेवेंटी थाउजेंड माई गॉड एक एवरेज पेड़ एक एवरेज साइज का जो पेड़ है वो इतनी लकड़ी प्रोवाइड करता है कि उससे इतनी सारी वन लैख सेवेंटी थाउजेंड पेंसिल्स बन सकती हैं राइट right? हम पेंसिल्स यूज करते हैं सालों से यूज करते हुए आए हैं और एक एवरेज साइज के पेड़ से इतनी सारी पेंसिल pencil, पेंसिल्स बन जाती हैं ऑफ कोर्स लेकिन उसके लिए उनको काटना पड़ता है डिफोरेस्टेशन होता है इसलिए अभी भी साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू वर्क कि हम किसी कुछ और ऑल्टरनेटिव उसके हमें मिल सकें या हम किसी और ऑल्टरनेटिव के थ्रू से वर्कआउट कर सकें इसलिए आजकल इनफैक्ट आपने आ, पढ़ा होगा कि आजकल एक और तरह की पेंसिल्स आ रही हैं विच आर इको फ्रेंडली उसमें क्या किया जाता है उस पेंसिल के एंड में एक बीज होता है और जब वो पेंसिल खत्म हो जाती है तो आप उसको मिट्टी में

ये थ्री फीट डायमीटर तक बढ़ जाता है और इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि बहुत बड़े माने जाते हैं एंड दिस इज कंटेस्टेड क्वेश्चन कई लोगों ने और भी नाम दिए हैं और भी सारी बातें हैं बट अभी तक जो हम मान के चलते हैं वो हम यही मान के चलते हैं एल्गी एंड मशरूम्स आर नॉट प्लांट्स बट हैव दे ओन किंगडम जब हमने किंगडम्स डिस्कस किए थे जब हमने लिविंग ऑर्गैनिज्म के किंगडम डिस्कस किए थे तो हमने बहुत सारे नाम डिस्कस किए उसमें से अब हमें यह पता है कि हम बोलते हैं मशरूम की सब्जी बना लो राइट घरों में मशरूम बनते हैं मशरूम्स आर वेरी हेल्दी ऑल्सो एंड वेरी मच पीपल पीपल लव ईट इंग मशरूम दीज टेज काफ़ी एग्जॉटिक फूड भी माना जाता है आजकल तो लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि एल्गी और मशरूम्स प्लाट्स नहीं होते उनका अपना एक अलग किंगडम है there are about 600 species of carnivore plants that are that not only ओनली इन ईट इंसेक्ट्स फट स्मॉल एनिमल्स हमने जब बात की फ्लाई बीनस फ्लाई ट्रैप की तो मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट कार्निवोरस होते हैं जो कि एनिमल या स्मॉल इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं अब हम बात करने वाले हैं इस फैक्ट की कि उसमें से सिर्फ बीनस फ्लाई ट्रैप या एक आध दो और नाम जो हम जानते हैं ग्रीन पिक्चर प्लांट या एक्सेट्रा वो तो एक अलग बात हो गई लेकिन कुछ अप्रॉक्सिमेटली छो ऐसी स्पीशीज मानी जाती हैं कार्निवोरस प्लांट्स की जो कि स्मॉल इंसेक्ट्स और एनिमल्स पे सर्वाइव करती हैं नाउ मोर देन ट्वेंटी परसेंट वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई इज प्रोड्यूस बाय एमेजॉन रेन फॉरेस्ट माना जाता है कि बीस परसेंट तक ट्वेंटी परसेंट तक जो अर्थ पे जो ऑक्सीजन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट तक अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में पाया जाता है बहुत बड़ी नदी है अमेजॉन उसी के पास पास ये फॉरेस्ट है जिसको बहुत बड़ा Uh, माना जाता है कि उसमें जितना ऑक्सीजन और जितनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है सो डाइवर्सड so कि आज तक भी साइंटिस्ट पूरा पता नहीं कर पाए हैं उस फॉरेस्ट के बारे में जिस तरह हम अपने ओशंस के बारे में पूरी हर जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं उसी तरह कहा जाता है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को भी अभी बहुत एक्सप्लोर करना बचा हुआ है पर यह बात जानी जाती है कि 20 परसेंट तक हमारे वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन है वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से पाई जाती है और बाकी 50 टू 80 परसेंट जो है वो ओशन से आती है अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट बेसबॉल बैट्स बेसबॉल बैट वैसे इंडिया में उतना ज्यादा फेमस नहीं है उतना ज्यादा इस गेम को नहीं खेला जाता अमेरिका में बेसबॉल काफी खेला जाता है तो बेसबॉल बैट्स जो हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट के बनते हैं जो कि हरी ट्री ट्री कहलाता है और क्रिकेट बैट क्रिकेट तो हमारे यहाँ सब जगह होता है क्रिकेट हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे भी होता है डिस्पाइट द फैक्ट वो हमारा नेशनल गेम नहीं है लेकिन वो जितना हमारे यहाँ फेमस है आई थिंक कोई भी गेम उसकी बराबरी नहीं कर सकता वो गली नुक्कड़ चौक, चौक चौराहे हर जगह पे क्रिकेट खेला जाता है पर क्या आप ये जानते हैं कि जो क्रिकेट बैट होता है वो स्पेशली बिलो ट्रीज का बनता है Okay, now the another interesting fact is there are no flower species that are completely black in color, nor has anyone been able to develop it. कोई भी ऐसी फ्लावर की स्पीशीज नहीं है जो कि पूरी तरह ब्लैक हो और इनफैक्ट अभी तक कोई भी उसको जेनेटिकली प्रोड्यूस भी नहीं कर पाया है अगर आप ब्लैक रोज की बात करते हैं तो भी उसमें कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि दैट इज नॉट कंप्लीटली ब्लैक एज द नेम सजेस्ट और वो अभी तक भी जेनेटिकली म्यूटेट होके या जेनेटिकली हाइब्रोडाइज होके भी एग्जैक्टली exactly पूरी तरह से कोई ब्लैक प्लांट स्पीशीज नहीं बन पाई है पूरी ब्लैक प्लांट स्पीशीज मीन्स पूरी ब्लैक प्लांट जैसे अगर आप बात करते हैं चिकन में कड़कनाथ वैसी ही बात हो रही है प्लांट्स में ब्लैक प्लांट की ओके सो so वैसी कोई प्लांट नहीं होता और अभी तक उसको बनाया भी नहीं जा सका है ड्रग क्विनी क्विनाइन इज ऑप्टेन फ्रॉम द ड्राइड बाग ऑफ अ साउथ अमेरिकन नेटिव ट्री ये एक तरह का ड्रग होता है जिसको साउथ अमेरिका का एक नेटिव ट्री है जिससे पाया जाता है ओके सो वी हैव गॉट और ये ड्राइड होता है ड्राइड फॉर्म में होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रग अब हम बात करते हैं स्नैप ड्रैगन फ्लास की स्नैप ड्रैगन फ्लावर its ड्रैगन एंड इट माउथ कैन ओपन एंड क्लोज स्क्स साइड स्नैप ड्रैगन फ्लावर जो है उसका नाम स्नैप ड्रैगन इसलिए पड़ा है क्योंकि वो एक ड्रैगन जैसा दिखता है और अगर आप उसको स्क्वीज करते हैं तो मुंह खोलता है और बंद करता है खोलता है बंद करता है सो दैट इज एक्सैक्टली वाई इट इज नोन एज स्नैप ड्रैगन फ्लावर बिकॉज इट रिजेंबल ड्रैगन ओके अब आते हैं इवन द आर्टिकवर्ड आपको है, से हैं, जो पूरी तरह से हुए रहते हैं क्यों क्योंकि वहां पर सन रेज नहीं पहुंच पाती वहां पर भी जो पूरी तरह से बर्फ की सतह से ढके रहते हैं वहां पर भी उनकी अंदर अगर आप ओशन के अंदर जाते हैं तो जो बेस ऑफ ओशन है या बेड ऑफ ओशन है वहां पर भी आपको प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पे भी आपको पेड़ मिलेंगे जो कि सर्वाइव करते हैं आपको वहाँ के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो आपको मिलेंगे वहाँ पे ये एक फैक्ट है और एक बेसिक फैक्ट है जो कि शायद आपको पता होगा कि 85 फाइव ऑफ प्ला एट्टी परसेंट जो हमारे प्लांट्स हैं आज भी ओशंस में पाए जाते हैं और इन फैक्ट ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फिफ्टी टू एट्टी ऑक्सीजन ओशन से आती है और एट्टी ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन द बेड ऑफ ओशंस नाउ ब्राजील अपने आप में एक अकेली कंट्री है एक लौती कंट्री है पूरी दुनिया की जिसका नाम एक ट्री पर पड़ा है आपको पता है कि ब्राजील का नाम एक ट्री पर पड़ा है जिसका नाम है ब्राजील वुड ट्री दिस कंट्री गेट्स नेम फ्रॉम इंडिजिनस ब्राजील वुड ट्री जो कि वहीं का नेटिव प्लांट माना जाता है और ट्री बिकेम पॉपुलर फॉर एक रेड कलर डाई और ये पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें रेड कलर डाई लोगों ने इसके लिए इसमें से काफी बनाए तो ब्राजील ऐस दी ओनली कंट्री अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका नाम किसी पेड़ के ऊपर पड़ा है तो आप बिल्कुल फटाक से जवाब दीजिएगा कि ब्राजील ब्राजील का नाम पड़ा है ब्राजील वो ट्री के ऊपर ओके okay? तो आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े प्लांट्स के ये बहुत सारे हैं हम इसको नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे और दोबारा हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे पार्ट टू में और तब तक आई एम साइनिंग ऑफ थैंक यू वेरी मच